ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जाना है, क्या बात। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त जिसने जिंदगी में सिर्फ एक इंसान के साथ मोहब्बत की और फिर वो मोहब्बत इश्क में बदल गई, वो इंसान वो खुद था। नार्सिसिस्ट, पहले उसे खुद से मोहब्बत थी, फिर खुद से इश्क हो गया, फिर ये बीमारी बढ़ती चली गई। ये बीमारी यहां तक आ गई कि शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को कह रहा कि मेरी तारीफ कर। जब उसकी बीमारी बढ़ती गई, पैसा उसके पास आता गया, उसने 15 लोग अपने घर में रख लिए जो सिर्फ उसकी तारीफ करते थे सारे। वो सीढ़ियों से उतर रहा था, स्लिप होके गिरा, सब तनख्वाहदार कह रहे हैं वाह 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 सर, क्या गिरे सर, वो जो उसके लोग हैं जो तनख्वाह भी उसकी तारीफें करते हैं वो कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से कर रहे हैं वाह 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 सर वाह क्या सलाम किया सर वाह सर। फिर ये बीमारी एक खतरनाक स्टेज में दाखिल होती है। पहले तो इंसान सिर्फ अपनी तबाही और बर्बादी करता है, फिर लोगों के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसका नार्सिज्म उसकी खुराक बन जाती है। वो खुद को बहुत बड़ा, सबसे सुपीरियर, सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा दिखाना चाहता है, तो फिर वो लोगों को छोटा करना शुरू करता है। कपड़े की हो पाए नहीं तू, अच्छा नहीं लग रहा तू, लोगों की खुशियां खराब करना शुरू कर देता है। पर मैं आपसे भी ये कहूंगा कि अगर कोई नार्सिसिस्ट मिल जाए, पहले तो उसे कहें कि डॉक्टर के पास जाए, अपना इलाज करवाए, आप भी थोड़ा ख्याल कर लिया करें। अगर उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया है, वो अपनी तारीफ कर रहा है, तो उसका गिरेबान मत पकड़ें, खामोश रहें, आप भी हल्का हल्का कह दिया करें कि वाह 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 वाह। नार्सिसिस्ट ही सही, दिल तो मेरे रब का बनाया हुआ है, किसी का दिल मत तोड़े, मेरा रब आपका नसीब जोड़ के रखेगा। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाक रात की इस खूबसूरत टीम की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। अरे ओ शेरा आए, ओए 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 आए, मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम, और मोहब्बत से यहां से ले जा जा। ये बात क्या बात क्या ये बात सरदार साहब क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं ये जड़ी तुझे गल की थी ना, ये बड़ी पैड़ी बीमारी है। हाँ जी, मेरा एक दोस्त है, ओदी गड्डी वजी है थे मोटरवे थे, तो जिहड़ा उन्हें तनखा तो बंदा रखा निकल के कह रहा, कहना साहब जी गड्डियां तो वजदियां रहिंदियां ने, आ जिहड़ी तुहाडी गड्डी वजी ना वाह। मैं भी बंदे रखे जी, मैं क्या मेरी तारीफा करिया करो। अच्छा, तनखा देनी? हाँ, उन्होंने तारीफ करनी, क्या बात है, की सूट पाया, की सोना मुंह लग रहा। एक महीने तनखाह लेट हो गई। अच्छा जी, कहंदा जी बड़ा थकी बिल्ली अरगा मुंह। उन्होंने पैसे लेके जुगत अच्छी की।
ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਖਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ऐसी बीमारी है तारीफ दी कि बंदे भुल जाते हैं बैंक च बैठा बंदा नाल दे कही जरा तेरे भरा दे करोड़ों रुपये इस बैंक च ने अजे तो जान के वैगन से जाइए किसी पता ही ना लगे पंद्रह दिन बाद तो ही बंदा चुकया गया अच्छा जो बैग च कहते तेरे भरा दे करोड़ों रुपये ने डाकू चपेड़ा मार रहे पैसे दे कहिंदा मेरे को टका नहीं कहिंदा नाल दी सवारी मैं ही सां आयशा आप क्या कहती हैं इस बारे में मैं क्या बताऊं आज हनी सर आके पूछने लग गए आयशा मैं कैसा लग रहा हूं मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं फिर कहते हैं मेरी शर्ट कैसी लग रही है मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है फिर पूछने लग गए मेरे बाल कैसे लग रहे हैं मैंने कहा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे एक्चुअली मेरा स्टाइल ही ऐसा है हनी भाई दी इस कटिंग दी वजह तो दुश्मन बड़े डरते हैं क्यों कि उन्हें सानू इत्थों फड़ लेना असीं किवें फड़ांगे वैसे बेजा तारीफ नहीं करनी चाहिए तारीफ करनी चाहिए कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ठीक है जी अच्छे लग रहे हैं स्मार्ट लग रहे हैं इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं बढ़ती हैं लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए ना झूठ नहीं मैं तुहानू कही जावां तुहाडे वाल अखां च पैण डए ने मैं तुम्हें इमरान साहब की इजाजत रहे गल दसना चाहवागा अच्छी तारीफ करने वाला कभी अच्छा दोस्त नहीं हुंदा अच्छी तनकीद करने वाला अच्छा दोस्त है हमारे आज के मेहमान भाजी एहोजी कुड़ी एहोजी कुड़ी जिहड़ी दिन आशा वर्गी अपने बैग में अद्धा काले मसर ते कांडा जरूर रख दी कहिंदी मेरी कोई तारीफ करन मैं फौरी फुड़क जाती हूँ ये वो मेहमान है जब से मुज़ाकरात सीजन टू शुरू हुआ है जो टॉप दो लोगों की रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ इनको बुलाए ना प्लीज़ इनको बुलाए ना इस शख्स से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला का कितना करम है इस पाकिस्तानी हीरो पे जिसने ना सिर्फ अपनी अदाकारी से बल्कि शोबिज़ में जो एक डेकोरम होता है जो आपका नाम होता है जो आपका मकाम होता है उसको संभालने के लिए जितनी मेहनत की है मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हमारे पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह हर थोड़े सालों के बाद एक्टिंग करने का स्टाइल बदलता है कहीं ज्यादा होती है कि क्या क्या कहाँ जा रही हो तुम एक दूसरा होता है कि कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के और एक होता है जो कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के और उसकी आंखों में इतनी शिद्दत और इतना एक्सप्रेशन होता है इतना नपा तोला काम होता है कि मेरे जैसे अदाकार भी टीवी देखते हुए कहते हैं कि यार किंज कर लेंदा है ऐसे ऐसे ड्रामे दिए ऐसे ऐसे ड्रामे दिए कि पाकिस्तानी आवाम ने उस ड्रामे के टाइटल की शर्ट्स बनवा ली जैकेट्स बनवा ली कुर्ते बिकने लगे ना सिर्फ अच्छा अदाकार है हिट भी है बहुत बड़े स्टार हैं मैं इन्हें जाती तौर पे आज से नहीं जब से मेरा करियर शुरू हुआ हम साथ साथ काम कर रहे हैं मैं इनके एक्टिंग स्टाइल का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं कोशिश भी करता हूं कभी कभी कि यार ये जो इतना मुश्किल काम करते हैं कभी मैं भी उसमें हाथ डालूं वैसे कर सकूं अभी तक नहीं डाला मैंने क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है तो आफान भाई साहब प्लीज आजा आजा सर सर प्लीज हैव अ सीट सर सर दुनिया न्यूज की तरफ से क्या बात इमरान अशरफ की तरफ से हमारी
इस खूबसूरत टीम की तरफ से, हमारी जो सारी ऑडियंस है इनकी तरफ से आपकी खिदमत में सर। क्या बात, इरफान भाई वेलकम टू द शो, हमारे शो में आए, आपकी बहुत मेहरबानी, मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। रोटी तो बगैर तुम मैं जान नहीं देना दान सर। नहीं नहीं, मैंने लिया के देनी। वैसे जिहड़े प्यारे ने ना उन्होंने तेरे पका के भी दे देनी। गौर ना वेख्या करो, देखो माशाल्लाह खूबसूरत होंगे ने, हीरो बच्चे ने। बच्चा 9:30 तक घर ना आवे तो वालदैन परेशान हो जाते ने, फोन करते बेटा कहाँ हो, हालात ठीक नहीं है, तुम 8 बजे से ज्यादा बाहर ना रहा करो, घर आ जाओ। यहो जे बच्चे साल बाद घर आने प्यो फिर कह रहा था वो आ गया वे। आफान भाई माशाल्लाह बहुत बहुत वेलकम आपका मुलाकात में, बड़ा अच्छा लगा आज आपको रूबरू देख के। और बहुत से आपके ड्रामे देखे, बड़ा डिफरेंट सा आप काम करते हैं और अपनी लुक का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या बात, मैं भी लुक का बड़ा ख्याल रखते हैं, जेडी सड़क ते नहीं पाई दी। आफान साहब एमसीए से पढ़े, एक्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, आपको क्या लगता है आपके इतने सारे टैलेंट हैं, आप इसे पूरी तरह यूटिलाइज कर सके या पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री ने आपको इतने मौके दिए कि आपके टैलेंट को यूटिलाइज किया जा सके? मुझे लगता है यहाँ पर जिस हद तक यूटिलाइज किया जा सकता था वो तो मैंने कर लिया। ओए फिर आपकी कुछ पर्सनल लिमिटेशंस भी होती हैं, उनके बियॉन्ड आप बाय चॉइस नहीं जाना चाहते, तो जो रुकावट थी वो मेरी चॉइस थी। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ या हम सब आपका काम इतने सालों से देख रहे हैं, आपको किरदार चुनने में कभी लिमिटेड होते देखा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत से रोमांटिक हीरो भी किए, जब नेगेटिव किए तो फिर फुल जेल बैक करके पूरा एक शशका। बड़ी तो, नज़र रखी हुई है इमरान। मैं अकेला नहीं हूँ सर, बहुत लोगों ने आपकी नज़र रखी हुई है। आवाज सुन रहे हो हनी भाई, आवाज दे विच खनक, क्या ठहराओ भाई, यकीन करो अगर ऐसे करके बोल दे ना तो बंदा फौरी सो जाए। आरजे रेडियो किया आपने, कितने साल रेडियो किया सर? 7-8 साल। 7-8 साल अपने सरदार साहब 10 साल माशाल्लाह रेडियो ठीक कर दे रहे ना। ठीक रेडियो से शुरुआत हुई तेरे पहलू में, या कितने उसके 69,000 एपिसोड थे? नहीं 74। लेकिन आई जॉइंड वे लेटर, जब जो पहला हीरो था उसका कैरेक्टर चला गया, तो मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं अब ये कहना बंद कर दो कि मेरा करियर इज प्योरली एक्सीडेंटल। अब लोग कहते हैं कि आप ये क्यों हर दफ़ा बताते हैं यार, बस हो गया, बहुत एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कहता हूँ जिंदगी में अच्छी चीज़ें एक्सीडेंट से ही होती हैं, प्लानिंग से तो बहुत कम चीजें होती हैं। तो इस ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर। मैं एक्सीडेंटल, बल्कि बल्कि मैं तो जरूरतमंद एक्टर। तो एक्सीडेंटल किस तरह से था, आप बनना कुछ और चाहते थे, फिर एक्टिंग की ऑफर हुई, क्या सोच? नहीं, होस्टिंग तो मैं कर रहा था लेकिन एक्टिंग करने का कोई ऐसा सच प्लान नहीं था, क्योंकि अगेन आई नेवर हैड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द वे आई एम। तो मुझे ये था कि ये चीज़ नार्सिसिज्म की जो अभी बात कर रहे थे, थोड़ा सा एलिमेंट वो होना चाहिए, उसके बगैर मुझे लगता है कि थोड़ा एक्टर का तो होता ही है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ तक ठीक है, जहाँ तक आपने एक अच्छा काम किया है या आप खुद से प्यार करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपनी मोहब्बत में दुनिया से नफरत शुरू कर दें तो फिर नार्सिसिस्ट। बड़ा ही जानलेवा है साहब, बड़ा ही जानलेवा है साहब, ये अहम होने का वहम होना। लेकिन वहम एक अलग बात है, आपके साथ तो हकीकत में ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑडियंस है आपको बहुत पसंद करती है सर, लोग चाहते थे, मैं तो चाहता ही था कि आप शो पे आएंगे, क्योंकि मेरा और आपका बहुत पुराना ताल्लुक है, हमारा ये सफर साथ साथ गुजरता रहा है, आपने हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया, मैंने आपको अप्रिशिएट किया, और हम दोनों का फोबिया भी एक ही है। हाँ, जो बताइएगा बचपन से एक खौफ हमारा रहा है दोनों का,
कि बाल ना गिर जाए। क्योंकि दुनिया नहीं उस पर आपके दिलों के साथ चल रहा है मजाक रात। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इमरान अशरफ एंड इज इन कॉन्वर्सेशन विद मी, सो हियर वी गो। देखो ना ब्रेक ही तुसी इंज लई है जिवें किसी दा दिल ही ले लिया। अफान पे बड़ा यूनिक नाम है माशाल्लाह आपका। अफान इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माफ करने वाला। वाह, इसीलिए तो फिर उनका गाना आया कि जा तुझे माफ किया। आपने बड़े रोमांटिक रोल्स किए, आपका कभी कोई र्यूमर नहीं सुना, लेकिन आपकी आंखों से ऐसा लगता है कि आप हुस्न परस्त हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। नहीं तो क्या, अगर आप हुस्न परस्त हैं तो आपका रूमर होना लाजमी है। हाँ, आई अप्रिशिएट ब्यूटी। यू अप्रिशिएट ब्यूटी? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में जमाली शौक के बगैर आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। आए हुस्न को पसंद करने वाला कभी कभी दिल फेंक भी होता है। बिल्कुल होता है। कितना फेंका दिल? एक वाहे चीज है जो संभाली है मैंने। ओए 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 ओए। लेकिन दिल फेंक नहीं है आप? एक दो दफा तो आप गिर ही जाते हैं, फिसल ही जाते हैं। अच्छा। लेकिन आई थिंक ये एरिया ऐसा है जिसमें मैंने बहुत कंट्रोल का मुजाहरा किया। शायद उसमें जो 20s में मेरे अंदर थोड़ी सी एरोगेंस थी उसका बहुत हाथ था। अच्छा, एरोगेंस थी आप? बहुत ज्यादा। वो कैसी यार? बस थी हुस्न, हुस्न पे नाज था आपने। हुस्न तो कभी दिखाई नहीं दिया अपना। हाँ भाई, दिल फेंक तो नहीं है, दिल कैच रहे। क्रिकेट खेलनी भी इतनी अच्छी है। दिल कोई भी फेंकता था उसको भी कैच नहीं करते थे। नहीं बस मेरा ये है कि सर क्रिकेट और आई बिलीव इन लॉयल्टी। लॉयल्टी मुझे लगता है कि कमजोरी माफ है, बेवफाई माफ नहीं। फिर ये क्यों कहा जा तुझे माफ किया? वो तो मेरे प्रोड्यूसर्स ने कहा, मैंने नहीं कहा। एक तरफा मोहब्बत पे यकीन रखते? मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ, किसी भी किस्म की हो। यानी एक तरफा भी बहुत सी दफा एक तरफा ही होती है। अगले बंदे की जिम्मेदारी तो नहीं है ना आपसे मोहब्बत वापसी में करे। अरे वाह 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 साहब, एक तरफा मोहब्बत पे आपने कहा कि भाई जरूरी तो नहीं कि अगला बंदा। मेरा एक सवाल है कि एक तरफा मोहब्बत होती है कि आपने बस अपने अंदर रखनी, क्या एक आधी बार इजहार कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, इजहार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर अगला बंदा नहीं करना चाह रहा तरले डालने में हर्ज है। मोहब्बत की ग्रेस के खिलाफ है। ये बात तो सही है, मोहब्बत तो करते हैं लेकिन झुकेगा नहीं। सरदार साहब, कभी आपको भी एक तरफा मार पड़ी? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ सर। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैंने पूछा ही नहीं है। मेरा है की कह रहे ने अफान भाई कहने ना आके नहीं आया। हाँ जी जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, वो कहने भाजी बसा जो सुरमा भेजता। अच्छा,
एसएमएस किया भाई एसएमएस किया क्या क्या उन्होंने कहा वही नहीं जेड़ा किस्तां दे चपेड़ा खांदा बंद करो ये सोशल मीडिया पे असले की नुमाइश बंद करो ये हो क्या गया है हमारी कौम के नौजवानों को मैं कह रहा हूं कि हमारी कौम के नौजवानों को हो क्या गया है ये बात नहीं यार ये सोशल मीडिया पे हर दूसरी वीडियो पे असला लहराते हुए और तकबराना डायलॉग बोलते हुए दिखाई देते हैं बुरी बात है बुरी बात मैं पूछता हूं कि अगर आप इतने ही ताकतवर हैं तो बहसियत कौम हम इतने कमजोर क्यों हैं सही है ये असला दिखा के आप किसको मुतासर करना चाहते हैं एक छोटा सा शेर लिखा है मैंने मुझसे गुत्थी नहीं सुलझ पाई मुझसे गुत्थी नहीं सुलझ पाई कि ये मसला कहां से आया है सबको रोटी के पड़े हैं लाले ये असला कहां से आया वा, 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 वा। क्या मिलता है इस तरह करके आजा लग जा गले से ठा ठा करके आप अफान भाई को देख के कह रहे हैं हाँ जी सर जी अरफान भाई सर जी क्या बात है अफान भाई लव यू सर लव यू टू सर मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो असला लहरा के जाते हैं वीडियो बनाते हैं ऐसे करके लोग इनसे मोहब्बत करेंगे कभी नहीं करेंगे सर इसी पे मैंने एक और शेर लिखा है अपनी ताकत की नुमाइश करके तुम मुतासर तो नहीं कर सकते नहीं कर सकते हाँ डरा तो सकते हो मगर राज दिल पे नहीं कर सकते कह रहे हैं मेरे जज्बात गंदी बात गंदी 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 बात क्या बात आज इत्तफाक से ही आप मुझे मिल गए हैं सर आप लोगों को बता दें कि हम जुड़वा भाई नहीं है सिर्फ शक्लें मिलती हैं सर सही बात किसके साथ और काफी लोग सर जी मुझे बुलाते रहते हैं अफान बात सुनना अफान सेल्फियां ले आंडे सर जी सर आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी आंखें हैं सर गहरी आंखें हैं इनमें कुछ राज छुपे हैं सर जी सर माशाल्लाह सर आपकी आंखों के मुतल्लक खूबसूरत शायरी आपके लिए सर अरे खुली आंखें हैं पर सोया हुआ हूं खुली आंखें हैं खुली 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 आंखें हैं खुली आंखें हैं पर सोया हुआ हूं तुम्हारी याद में रोया हुआ हूं जहां तुम छोड़ के मुझको गए थे उन्हीं रस्तों में मैं खोया हुआ हूं कश्ती है मुझे ये तन्हाई नाम जलेबी भाई जलेबी भाई जलेबी भाई जलेबी भाई जलेबी भाई जलेबी भाई अफान साहब मुख्तलिफ किरदार निभाए चैलेंजिंग रोल्स निभाए कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा रोल आ गया जिसने कहा कि अफान आना हूं मैं तन्नू दसना यार ये वही नेगेटिव कैरेक्टर जिसका आप जिक्र कर रहे थे जिसमें वो बाल मैंने जल बैक किया थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था क्या मुश्किल था एक तो मैं लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता था मैं ओवर नहीं करना चाहता था मैं उसको सटल रखना चाहिए था चाहता था और वो बंदा साइकोपैथ था अब साइकोपैथ की क्वालिटीज में एक थेरेपिस्ट से जाके मिला मैंने कहा साइकोपैथ की क्या क्वालिटीज होती हैं उन्हें मैं बताया कि अग्रेसिव होता है और ये होता है वो होता है अब वो मैं सब कुछ जब करना चाह रहा था वो बहुत लाउड अब लोगों को मैं नीचे लिख के बताना तो नहीं था साइकोपैथ है तो वो कैरेक्टर वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी और मुझे लगता है कि मैंने कोई बहुत कमाल का नहीं किया बिकॉज मैं उस कन्फ्यूजन में ही फंसा रहा कि लाउड ना हो जाए ज़्यादा सटल ना हो जाए तो जो आपको लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो पूरे पाकिस्तान ने आपकी पज़ीराई की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको लगता है क्या अपना फेवरेट किरदार जो अभी तक निभा चुके हैं जो आपको लगता है कि यार अफान मुझे शहनाई का कैरेक्टर बहुत पसंद अच्छा था बहुत अच्छा था हाँ बहुत वो भी अच्छा। कॉमेडी थी अगेन मुझे था कि उसमें लाउड ना हो जाए तो मैंने सटल करने के चक्रों में बस उसको कर लिया तो गाड़ी का हॉर्न भी तो नहीं उतरवा लिया कहीं के लाउड ना हो जाए नहीं आम जिंदगी में बड़ा लाउड हूं मैं टीवी पे लाउड नहीं होना चाहता गुस्सा आता है गुस्से के अलावा है क्या मेरे पास है मैं बहुत गुस्सील आदमी हूँ
अफान तो जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? चीजें उठा नहीं, चीजें तोड़ता वोड़ता नहीं हूँ, चीखता बहुत हूँ और साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत। यानी कि चीजें नहीं तोड़ते, चीख के दिल तोड़ते। बिल्कुल सही बात की आपने। हाँ, ये चीख के दिल तोड़ता हूं। लेकिन फिर उसको ठीक भी करते हैं आप? हाँ, उसको ठीक भी करते हैं। 5 मिनट बाद ठीक। हाँ, 5 मिनट बाद। क्या बात, क्या बात। जब गुस्सा आता है या चीखते हैं तो ओपनली चीखते हैं या दरवाजा बंद करके? नहीं नहीं, ओपनली। तब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं भी गुस्से में बहुत चीखता हूँ लेकिन किसी पे असर नहीं होता। खुदा ना खास्ता आपको गुस्सा आ जाए तो नुकसान अपना करते हैं या दूसरे का? अपना नुकसान करते हैं। वैसे बेहतरीन तरीका है मेरे पास, अगर किसी को भी गुस्सा आ जाए ना, वो सीधा शीशे के सामने जाए और वहां खड़ा होकर ना यूं करे। सरदार साहब ने भी शीशे के आगे ना इंजन किया है। अच्छा, शीशे कहता चला जा मैंने गुस्सा छाड़ के। अचीवमेंट, कोई ऐसी अचीवमेंट जब अफान भाई रात को सो रहे होते हैं या अकेले होते हैं, खुद से बात करते हुए खुद को कहते हैं कि यार अफान जिंदगी में ये तो किया है। यार मुझे लगता है अचीवमेंट भी बहुत रिलेटिव टर्म है। हाँ, कि एक वक्त में आपको जो अचीवमेंट लग रही होती है, चंद दिन बाद वो आपको अचीवमेंट नहीं लगती है। आए। तो मेरे ख्याल में अचीवमेंट का तो यही किस्सा है, लेकिन NCA में जब मेरा एडमिशन हुआ। ओ, क्या बात है। अफान, यू हैव ब्यूटीफुल वॉइस, माशाल्लाह, कुछ हल्का सा गुनगुना दे। ओए होए होए, हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन बहुत अच्छा हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। अफान साहब, आपके फैंस, खासकर आपके जो इंस्टाग्राम पे फैन पेजेस हैं, जितने मैसेजेस वो मुझे कर चुके हैं, जितना वो मुझे कह चुके हैं कि आप शो पर आए, प्लीज आप उनके लिए कोई मैसेज दे दें कैमरा में प्लीज। यार आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लिटरली। आई मीन, आप जब आप किसी से मिले नहीं होते और उसके बावजूद इतनी अनकंडीशनल मोहब्बत, ये आप लोग ही कर सकते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सब यही कहते हैं, यार आपके फैन पेजेस, आपके फैंस बड़े अमेजिंग हैं। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। क्या बात, क्या बात। अफान, आप तो पूरे पाकिस्तान का क्रश है, आपकी क्रश कौन? मैं मोहब्बत का इजहार खुलेआम नहीं किया करता। पार्क दे विच हल्की हल्की बारिश पै रही हो ना, एहो जी कुड़ी वड्डा पापड़ा सिर ते लैके बैठी हुंदी। बहुत ही देर बैठे रहो, उही पापड़ चो के कुर्ता बन जांदा। सलामत साहब जी, इतना नेचुरल एक्टर, पाकिस्तान का हर दिल अजीज जी, हमारे मज़ाकरात के सेट पे मौजूद हो। हाय, तो हमारी लाइट की किस्मत ना जागे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? शेरा,
खान साहब द स्पॉट इज ऑल योर्स. हमने जिस जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, हमने जिस जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे जमाना तू था. अब के कुछ दिल ही ना माना के पलट कर आते, अब के कुछ दिल ही ना माना के पलट कर आते, वरना हम दर बदरों का तो ठिकाना तू था. कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के जबरदस्त अदाकार आफान वहीद. और देखते रहिए मज़ाकरात. वेलकम बैक टू मज़ाकरात. अफान भाई, ऑडियंस, इतने हमारे खास लोग, प्यारे लोग, जब वो मुज़ाकरात में आते हैं तो गेम ऑन हो जाती है, जब वो टीवी स्क्रीन्स पे हमें देखते हैं तो हम सब की बात बन जाती है. सब यहाँ मौजूद हैं, कोई सवाल, कोई बात, कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. नाम क्या है? वसीम खान. क्या करते हैं? बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ. माशाल्लाह, क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन. गुड. मेरा क्वेश्चन सर अफान से है. अफान साहब, आप एक्टिंग आपकी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो वो कौन सा ऐसा लम्हा है, यादगार लम्हा, जो आप चाहते हो मैं उसको रिलीव करूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर? वाह. कैरेक्टर तो वैसा सच नहीं, लेकिन जो दो बोल के दिन थे ना, वो जो एक हाइप थी, जो हाइप थी ना पूरे पाकिस्तान में, क्रेजी. आई मीन जहाँ भी आप बाहर भी ट्रैवल करते थे, एयरपोर्ट से निकलने में आधा घंटा लग जाता था. दैट वाज दो बोल. क्या बात है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक. वेलकम टू मज़ाकरात. थैंक यू. क्या नाम है? किस्वा उस्मान. क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपके साथ पिक्चर बनवानी है. इधर आओ मेरे साथ, इधर बैठो. यूं करो अब किस्वा. बेटा खुश हो, खुश हो, खुश हो. भाई सर आए ना, मैं ज्वाइन करें ना सर, आए ना सर, आए. आप हमारे हीरो आए. बेटा तस्वीर माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आएगी, उत्तर तरफ फोटोग्राफर बहुत अच्छा सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? करम अल्लाह का. सर मेरा सवाल ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री नीचे गई है और ड्रामा इंडस्ट्री ऊपर आई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नीचे गई? पहले तो ये बताएं कि आप क्यों पूछना चाह रहे हैं. तुसीं सैंडविच की समोसे लाउंदे सो और पंजाबी फिल्म चलदी हो ना, इहो जिहा बंदा सिर्फ खिड़की खोल के कहिंदा हाकू डाकू ठका. I think drama has taken over. Yeah. Social media की वजह से, OTT platforms, मेरे ख्याल में अब थोड़े natural काम की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं. जी सर. उसका दौर वो था और अब different दौर है. Film industry के लिए आप कुछ आगे कदम उठा रहे हैं, उनका सवाल ये है. है तो सही, लटरी. फिल्में आ रही हैं भाई की. हाँ. कितनी आ रही हैं? दो तीन? दो. ओह जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. मासद के जाए गुलजुल. क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं ना आपके लिए स्केच लेके आया हूँ, आपका डिनर. मैंने मैं वहाँ आ जाऊँ आपके पास? क्या सही ना बोलो ना, बेटे आराम से बोलो, ऐसे नकल सही.
मैं आपके पास आ जाऊँ वहाँ पे आपके पास मैं अस्सलाम वालेकुम शाहरुख अस्सलाम वालेकुम सबको सलाम करते हैं पहले आए आए ये ना मैं अपने घर से बना के लाया था आपको देना है आप ले लो ये मैं ले लूं आप ले लो आप इसको खोल के चेक करो अरे अरे मूसा मूसा ये बोले तुम मूसा क्यों लेके आए हो सर मुझे ना मूसा बड़ा अच्छा लगता है इसलिए थैंक यू मेरी जान थैंक यू खुश रहा यार आपके साथ एक भाई बैठे हुए हैं उनके हाथ में भी स्केच है ले आओ सर वो भी मेरा दोस्त है वो भी बना के लाया था जी और कोई काम नहीं कर दे हम फ्री है नहीं चलिए नाल भेजो हम फ्री चलो फिर चलिए अरे वाह भाई वाह क्या नाम है आपका आजिल फारूक आजिल भाई भी स्केच लाए हैं भाई यार आप लोगों का माशाल्लाह खुश रहें आबाद रहें थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह अरे यार ये तो वाह वाह थैंक यू यार आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शहजादों अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है सर बड़े स्माइलिंग फेस क्या मतलब जी सर नाम बताएं जैनुल आबिदीन जैनुल आबिदीन साहब क्या करते हैं जी मेरी मोबाइल शॉप है मोबाइल शॉप है हाँ जी तो मुफ्त केजी लोड करवाते हैं कसम से आज तक किसी को नहीं भेजा जिसको भेजा था उससे शादी हो गई सर क्या कहना चाहते हैं मैं आपके लिए एक ना गाना गाना चाहता हूँ गाइए गाइए मैं जो शायर कभी होता मुश्किल है तेरा सेहरा कहता चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता क्या बात है क्या बात क्या बात अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नाम बताएं आयमा फैसल मजाक रात में क्या कहना चाहती हैं आपके लिए एक शेर है अर्ज किया है कभी अधूरा लिखूं कभी पूरा लिखूं मैं रातों को बैठकर आपको सवेरा लिखूं मैं जब भी लिखूं बस इतना लिखूं आपको हंसता लिखूं आपको हंसता लिखूं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप बड़ी खुश हैं आप वालेकुम सलाम सर आपको देख के अच्छा जी ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है अगर मुझे देख के आप खुश हो गई हैं तो नाम बताइए मेरा नाम मुस्कान है मुस्कान क्या कहना चाहती हो आप मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ सुनाओ 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 आपका दीदार वो भी आंखों में आंखें डालकर हाय मुर्शिद ये कशिश कलम से बयान कीजिए हमसे ना होगा अफान साहब आपकी आमद का दिलो जान से बहुत बहुत शुक्रिया खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच